أشهد أن محمد رسول الله I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हॉस्पिटल का एक छोटा सा व्लॉग। बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी हमारे साथ। हम यहाँ पर आए थे रेगुलर चेकअप के लिए, और यहाँ पर जब चेकअप के लिए आए, चेकअप किसका होना था वो भी मैं अभी बताती हूँ। चेकअप होना था मेरी भाभी का, और भाई आज ड्यूटी पर था तो मैं और अम्मी उसको लेकर आए थे चेकअप के लिए। नॉर्मल चेकअप होना था इसलिए हम आ गए, कोई सोचा नहीं था कि आगे जाकर क्या होने वाला है। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनका जो बीपी है काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, तो उसके लिए उन्होंने टैबलेट्स लेकर दी। वो टैबलेट लीं और मैं उनके लिए पानी लेने गई। जब मैं पानी लेकर वापस पहुंची तो यहाँ पर पहुंचने के बाद पता चला कि उनका तो ऑपरेट होने लगा है। और मैं और अम्मी हम बिल्कुल खाली हाथ आए थे, हमारे पास कोई कपड़े नहीं थे, कुछ भी कोई इंतज़ाम किया ही नहीं हुआ था। यहाँ पर पहुँचने पर हमें पता चला कि उनका ऑपरेट होना है, और वो भी इतनी ज़्यादा रो रही थी ऑपरेट का सुन के, वैसे ही बंदे को डर लगता है इतना। तो जब मैं अंदर आई पता चला कि काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं वो, और सारा कुछ चेंज हो चुका था। फिर मैंने सारे पेपर साइन वगैरह किए, मेरे पास अपना आईडी कार्ड भी नहीं था क्योंकि हमारी तैयारी ही नहीं थी कुछ ऐसी, पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। वो तो नॉर्मल चेकअप के लिए ही आए थे। तो यहाँ पर उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा चुके हैं, और यहाँ पर मैं अकेली बैठी हुई हूँ उनका वेट करने के लिए। अपने घर में कॉल्स कर रही हूँ। अम्मी मेरी इतनी ज़्यादा रोने लगी थी ऑपरेट का सुनकर के उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, तो वो घर वापस चली गई। मैंने उन्हें कहा आप चली जाएं, तो मैं यहाँ पर बैठती हूँ। फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, अभी वो अपनी ड्यूटी से लीव लेकर तो यहाँ पर पहुँच रहा है। यहाँ पर बैठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बहुत वेट किया मैंने यहाँ पर बैठ कर। अंदर मुझे ये टेंशन हो रही थी कि भाभी की पता नहीं क्या हालत होगी, कैसी नहीं होगी, और दूसरी तरफ यहाँ पर कोई आया नहीं था इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। यहाँ पर भाई आ गया, फिर वो अपना जो सामान था सारा वो भी लेकर आ गया था। और यहाँ पर अब मैं वेट कर रही थी कि वो मुझसे बेबी के कपड़े कब तक मांगेंगे। भाई जब आया तो अम्मी के पास गया सीधा घर, क्योंकि वहाँ से सामान लेकर आना था। तो उसने मुझे आकर बताया कि अम्मी अभी भी घर बैठी रो रही हैं क्योंकि मेरी जो भाभी हैं उनका ऑपरेट होने लगा। तो ऑपरेट का सुन के मेरी अम्मी भी इस कदर रोए जा रही थी। भाई सामान देखकर साइड पे चला गया था क्योंकि यहाँ पर जेंट्स अलाउ ही नहीं है, सिर्फ लेडीज़ ही आ सकती हैं। यहाँ पर बैठी मैं वेट कर रही हूँ और मुसलसल ऑपरेशन थिएटर को देख रही हूँ। वैसे यहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई, जो रेड कलर की लगी होती है उसे पता चलता रहता है हो गया ऑपरेट या नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद यहाँ से अंदर से एक नर्स गुजरी, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये हमारा ही बेबी है, क्योंकि जब हम चेकअप के लिए आए थे तो यहाँ पर कोई रश नहीं था, कोई और केस था ही नहीं, सिर्फ मेरी भाभी थी अंदर रूम में, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मुझे लगा शायद ये वही है, मुझे एक थोड़ा सा फील हुआ था। 1:11 यहाँ पर हो चुके हैं और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी कि शायद कोई आकर मुझसे कपड़े मांगेगा, क्योंकि बेबी तो दूसरी तरफ लेकर जा चुके हैं नर्सरी रूम में, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि ये आपका ही बेबी है या आप आकर कपड़े वगैरह पहना लें। खैर काफ़ी देर वेट करने के बाद एक सिस्टर आई थी या जो भी थी, उन्होंने मुझे आकर कहा कि आपका बेबी अंदर ऐसे ही लेटा हुआ है, आप जाकर उन्हें कपड़े पहना लें। तो भी मैंने जल्दी से कपड़े उठाए, और दिल में बहुत धक धक भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी कि पता नहीं कैसा होगा या कैसी होगी, ये एक अलग ही फीलिंग थी। फिर मैंने जल्दी से कपड़े उठाए और नर्सिंग रूम की तरफ चली गई। माशाल्लाह से हमारे घर में एक बेबी गर्ल आ चुकी है। मेरे भाई की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि बेबी गर्ल ही होनी चाहिए हर हाल में, डेली भाभी के साथ धमकियां लगा रहा होता था कि मुझे एक बेटी ही चाहिए, और अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली। यहाँ पर मैंने उसको फ़र्स्ट टाइम कपड़े बनाए, मुझे कपड़े बनाने नहीं आ रहे थे कि कैसे बनाए जाते हैं। इतने छोटे बेबी को बिल्कुल एक चिड़िया सी लग रही थी, छोटी सी, जैसे पैदा होने के बाद एक बच्चा होता है, बिल्कुल इतनी सी थी, और ये मुसलसल रो रही थी। यहाँ पर मैंने इसको कपड़े पहना दिए, फिर उसके पापा के साथ इसकी एक पिक्चर बनी। अभी उन्होंने हमें इसको दिया नहीं क्योंकि अभी थोड़ी सी इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, और उसके अलावा अभी भाभी भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आई थी, इसलिए अभी बेबी नर्सरी रूम में ही है।
सुबह घर से हम 10 बजे निकले थे और हॉस्पिटल आते हुए हमें आधा घंटा लगा, तकरीबन 10:30 और 11:30 बजे तक भाभी को अंदर लेकर जा चुके थे, यानी कि बिस्मा को। बिस्मा मेरी छोटी भाभी है, तो मुझसे है भी छोटी, तो मैं उसका नाम लेकर ही अब बात करूंगी। उसको 11 बजे 11:30 बजे अंदर लेकर गए थे और यहाँ पर तकरीबन 3 बजे उसको बाहर लेकर आए। ये वेट करना मेरे लिए इस कदर मुश्किल था, मैंने उनको पता नहीं कितनी दफ़ा पूछा कि आप अभी तक बाहर क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि अमूमन ऑपरेट के बाद भी आधा घंटा लगता है तो बंदा, मरीज़ जो आपका पेशेंट होता है उसको बाहर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 बज चुके थे, काफ़ी ज़्यादा हमने वेट किया, दोनों तरफ परेशानी हो रही थी, वहाँ पर बेबी नहीं दिया था और यहाँ पर पेशेंट नहीं दिया था, तो अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे भी काफ़ी। जब 3 बज गए फिर उनका जो स्टाफ था उसकी ड्यूटी चेंज हुई, वहाँ से फिर कोई आया, उन्होंने आकर भी यहाँ पे छोड़ा रूम में। حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. जी, तो यहाँ पर मिठाई आ चुकी है और सबसे पहले ज़ैनब की दादो और नानो मुंह मीठा करेंगी और उसके बाद हम लोग भी मिठाई खाएंगे। सुबह से शाम तक हमने यहाँ पर पानी भी नहीं पिया, सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। अब फाइनली खुदा का शुक्र है कि सब नॉर्मल हो चुका है, ज़ैनब भी आ चुकी है और उसकी मामा भी रूम में आ चुकी हैं। यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन मगरिब हो रही है, तो अभी यहाँ पर बेबी भी उन्होंने दे दिया है। बेबी और मदर दोनों ही रूम में शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत रो रही क्योंकि अब इसको काफ़ी भूख लग चुकी है, क्योंकि 1 बजे तक इसकी पैदाइश हो चुकी थी और तब से ये नर्सरी रूम के अंदर ही थी, उन्होंने हमें दी नहीं थी, तो इसने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। पिएगी अभी, खाएगी तो नहीं, खैर से अभी ये पूरी माशाल्लाह से आँखें खोल के तो इधर उधर के जायज़े ले रही है। हम लोग इसलिए ज़्यादा डर गए थे क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें कह दिया था कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही, तो सब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे। मैंने सिस्टर को भी बताया, उन्होंने कहा यहाँ पर बैठी दरूचरी पढ़ती रहो, तो वो भी मैं मुसलसल तब तक जब तक एक अच्छी खबर नहीं मिली बैठकर पढ़ती रही। उसके बाद भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ऑपरेशन के बाद मेरी अम्मी जब वार्ड में आई और बिस्मा को देखा, मेरी अम्मी फिर रोने लगी थी क्योंकि बिस्मा का ऑपरेट हो चुका था और ऑपरेट से मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा घबराती हैं। इसका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही हमने सबने ही सोच लिया हुआ था। मेरी अम्मी का कहना था अगर घर में बेटी आएगी तो उसका नाम हम जैनब फातिमा ही रखेंगे। इसकी जो बाकी कज़न्स हैं सबके इस्लामी नाम हैं, तो ये भी मस्त था कि इसका नाम भी यही रखा जाता, और ये माशाल्लाह से बहुत ही मुकद्दस नाम है। सुबह से इतनी टेंशन थी कि पानी भी नहीं पिया था, मेरे हाथ में पानी था लेकिन मैं पी नहीं सकी। फ़िलहाल यहाँ पर हमें छुट्टी मिल गई है, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, यहाँ पर छुट्टी मिल गई और भाभी को लेकर फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा हो गया कि उन्हें छुट्टी मिल गई, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर रहकर एक तो पेशेंट तो बीमार होता ही है लेकिन जो उसके साथ वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरा भाई सारी रात बाहर बैठा रहा और बिस्मा की अम्मी और सिस्टर थी यहाँ पर मौजूद, उनकी अम्मी को अंदर आने दिया गया, बाकी उसकी जो सिस्टर थी वो भी बाहर ही बैठी रही। तो लाख लाख शुक्र है यहाँ से हमें छुट्टी मिल गई और हम खैरियत से अपने घर जा रहे हैं। यहाँ पे मेरा भाई आपको बड़ा खुश नज़र आ रहा होगा क्योंकि उसकी जो दिली ख्वाहिश थी माशाल्लाह से वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर ज़ैनब को लेकर हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और ज़ैनब का हमने यहाँ पर छोटा सा वेलकम किया था क्योंकि टाइम
बहुत कम था, हॉस्पिटल से आए थे तो, वरना बहुत ज़्यादा भी होता। लेकिन छोटा सा वेलकम हमने यहाँ पर किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपनी रहमत से नवाज दिया। ओए बिस्मिल्लाह, ये अपनी टेंट दिखाओ ऐसे। हाँ जी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।